नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज से आपके लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, उसके लिए आज से जीके जीएस के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो रही है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है, और वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है ये अनुच्छेद 5 से 11? तो इसका जो संबंध है वो नागरिकता से है, यानी ए का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। 2 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 3 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कितना होता है? तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 24 होता है, यानी 4 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। तो कौन से वंश से हर्षवर्धन का संबंध था ये आपको बताना। तो हर्षवर्धन जो संबंध रखते थे वो पुष्यभूति वंश से रखते थे। 5 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है। तो कौन से राज्य में ये गोतीपुआ नृत्य होता है? 6 का आंसर आपको बताना है। तो ये उड़ीसा में होता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 7 है कि कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंध रखती है ये कालबेलिया नृत्य शैली? तो इसका जो संबंध है वो आपके राजस्थान राज्य से है। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि ड्रीम्स फ्लाई माय फादर किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा किसकी है? तो ड्रीम्स फॉर माय फादर ये जो आत्मकथा है बराक ओबामा की है, यानी 8 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मलाला यूसुफ जई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब मिला था मलाला यूसुफ जई को शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था 2014 में। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है। तो कितने विभाजित है? तो जो अकबरनामा है ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो तन्वी सहाय, यानी 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है ट्रेन टू पाकिस्तान के वो है खुशवंत सिंह। 12 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि हुसोरी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है। तो कौन से राज्य का ये नृत्य है हुसोरी? तो ये है असम का। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बीदर किला किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये बीदर का किला? 15 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बताना था कि बीदर का किला है वो किस राज्य में है। 15 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आपको बताइएगा। तो इसका जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कि पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो
पंडित जो राम नारायण है इनका जो संबंध है वो सारंगी से है, यानी 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यानी 18 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस उत्सव का जो संबंध है वो केरल राज्य से है, 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रकाश अमृत राज किस खेल से संबंधित है। तो प्रकाश अमृत राज इनका जो संबंध है वो टेनिस से है, किससे? टेनिस से है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस पार्टी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। तो ये कौन सी पार्टी ने कर दिया था, 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये जनता पार्टी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना को, 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि वेटिंग फॉर अबीजा किसकी आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा जो आत्मकथा है वो बी आर अम्बेडकर की, यानी 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि इलवरी वंश का प्रथम शासक कौन था। बताओ इनमें से इलवरी वंश का प्रथम शासक, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है। तो जो महावीर जयंती है ये मनाई जाती है अप्रैल माह में, यानी 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि भारत की सीमा पूर्व में किससे लगती है। तो बताओ किससे लगती है, तो भारत की जो सीमा है वो पूर्व में म्यांमार के साथ लगती है, यानी 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है। तो ये है भारत की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया था, किसने दिया था, 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत के सिद्धांत को दिया गया था, सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि 27 से प्रश्नों में से आपको जो भी प्रश्न पसंद आए होंगे तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि एहोल किसकी राजधानी है। तो किसकी है, तो एहोल जो राजधानी है वो चालुक्यों की है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हुली बेस किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये जो प्रचलित लोक नृत्य है हुली बेस, ये कर्नाटक राज्य का है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो दिया पारित किया गया था 1929 में, यानी 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित है। तो किस पर आई थी ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, तो ये गरीबी पर आधारित है, यानी 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों से समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 14। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था। कब हराया था शेर शाह ने, 33 का आंसर आपको बताना है। तो 1540 में शेर शाह ने हराया था, 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो फ्रीडम इन एक्साइल ये जो आत्मकथा है वो दलाई लामा की है, 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो कौन सा वाद्य यंत्र है ये पंडित किशन महाराज बजाते हैं, तो इनका जो संबंध है
वो तबला से है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है ये होता है 1। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, 37 का आंसर आपको बताना है। ये 1707 में हुई थी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल रोपड़ है ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम राज्य का है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भवाई किस राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। तो ये कौन से राज्य की है, तो भवाई ये जो पारंपरिक नाट्य शैली है ये गुजरात राज्य की, यानी 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो कर दीजिएगा, और चैनल का ज्यादा से ज्यादा आप लोग है सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।